share. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अब किसी भी फील्ड में आप काम करते हों, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हों, क्या चाहे वो तो आप रोज़ ही कर सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। आप कहते हैं कि एनर्जी नहीं है तो चीज़ें मैनेज कैसे करें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, डाइट अच्छी है, माइंड को नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट करना आपको आता है तो आप में एनर्जी की कोई कमी। प्राणायाम अगर आप डेली करते हैं तो फिर तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि एनर्जी कहाँ से आएगी। अब जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो मेरी बात को बहुत ठीक से समझ पाएंगे। जितनी ऑक्सीजन आप पूरे दिन में लेते हैं, उतनी ऑक्सीजन आप सुबह के इस आधे घंटे में कंज्यूम कर सकते हैं। तो कहाँ फील होगा कि एनर्जी नहीं है, पूरा दिन दौड़ते फिरेंगे। टॉनिक है ये बॉडी के लिए, इसीलिए स्पेशली हमेशा लेडीज़ को कहती रहती हूँ, निकालिए कुछ वक्त खुद के लिए। कौन क्या कर रहा है उसका स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। आपके बाद भी तो दुनिया चलती रहेगी, बस आप ठीक से चलती रहें इस चीज़ का ध्यान कीजिए। अब जो लोग रेगुलर दर्शन क्रिया करते हैं उनको तो पता है कि कैसे वो पूरा दिन फुल चार्ज रहते हैं। अपनी बॉडी पे तो मैं रोज काम करती हूँ, काफी हद तक अपने माइंड को भी स्टेबल रखती हूँ, लेकिन इस स्किन का क्या करूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, इसे यंग रखना काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है। कभी फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, कभी एक्ने हो जाता है, और कभी कभी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। और मुझे क्यों, आप सबको भी ये प्रॉब्लम होती होगी। हम सभी के फेस पे छोटे छोटे हेयर होते हैं और उन्हीं के साइड में होते हैं ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब यही ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, पोर्स ओपन होने लगते हैं और फेस पे काफी बुरे दिखाई देते हैं। हमारा टी जोन, जैसे कि फोरहेड है, नोज है, चिन है, यहाँ पे ये ऑयल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। और मैं अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, इसीलिए जब मामा अर्थ को नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मैं एकदम से उसको ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके काफी प्रोडक्ट ट्राई कर चुकी हूँ और हर प्रोडक्ट का रिजल्ट अमेजिंग होता है। तो मामा अर्थ इस बार हमारे लिए लेके आया है बाय बाय ओपन पोर्स फेस क्रीम। इस क्रीम को सिंपली आप अपने फिंगर्स पे लगाएंगे और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये क्रीम बनी है नियासिनेमाइड और रोज शिप की गुडनेस के साथ। रोज शिप रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो स्किन को स्मूथ और टाइट बनाता है। नियासिनेमाइड जो कि एक एक्टिव फॉर्म है वाइटामिन B3 की, जो कि ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। क्विकली अब्सॉर्बिंग फॉर्मूला के साथ बनी ये क्रीम स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसमें ब्लू लोटस और लेंटिल भी पाया जाता है, जो स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को क्योर करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मामा अर्थ की बाय बाय ब्लिमिशेस फेस क्रीम भी ट्राई कर सकते हैं, जो अनइवन स्किन टोन को इवन करती है। मामा अर्थ की गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज को लेकर भी है जिनके लिए वो स्टैंड करते हैं। जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। और 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। और ये फेस क्रीम्स आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उनके ऑफिशियल ऐप, Amazon, नाइका, Flipkart सब जगह पे अवेलेबल है। और मेरा कूपन कोड ShapeUp2022 का यूज करते हुए आप 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये कूपन कोड उनकी वेबसाइट और ऐप दोनों पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। घर के कामों के साथ साथ आज बाहर के भी कुछ काम है। आज ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो ब्रेकफास्ट में बनाई है मैंने वेजिटेबल सेमियां, तो बस आज सबको यही नाश्ता करना है, किसी को दो नाश्ते नहीं मिलेंगे। सभी खड़ा है वहां पे, क्योंकि वहां पे आसपास पनीर पड़ा है। खड़ा कैसे है देखना, नहीं बस खड़ा ना आता है जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और बस खड़ा आता है। बस आपको देख लो, मैं यहां पे खड़ा हूं, कर करो कुछ ले ले यहां पे। खा ले लिया तूने, बैठ जा, अब सिट डाउन। No. Sit down. No. बराबर बैठो अपने बिस्तरे पे, जाओ चली गया बेचारा। बैठ गया जाके, बैठ गया तो अच्छा बच्चा है, तू बात मानता है। मेरे को बोला कि उधर चार जाके बैठ जा कुर्सी पे, तो मैं भी बैठ जाऊंगा। ब्रेकफास्ट डन और मुबारक हो, लंच भी डन। सिंपल माँ चने की दाल बना दी है, चावल बनाएंगे लंच से जस्ट पहले। सबके रूम की शीट संडे को वॉश हो गई थी, सिर्फ हमारे कमरे की रह गई थी क्योंकि कुलदीप जी यहाँ पे आराम कर रहे थे। जिस दिन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना होता है उस दिन डस्टिंग वगैरह को मिनिमाइज कर देती हूँ, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम 2-3 घंटे ग्रॉसरी शॉपिंग में लग जाते हैं।
डेली क्लीनिंग में एक घंटा लगे, डेढ़ घंटा लगे, लेकिन जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है उस दिन क्लीनिंग सिर्फ आधा घंटा। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने का सबसे बड़ा मंत्र ही यही है कि आपको डेली टाइम देना है। साफ चीजों को साफ नहीं करते रहना है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वर्किंग वुमन को भी मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकती तो डेली सिर्फ 15 मिनट। अब 15 मिनट में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन फोन हाथ में पकड़ के नहीं, फोन पे टाइमर लगा के। खुद को डेडलाइन दीजिए और 15 मिनट दौड़ लगा दीजिए और आप अपनी स्ट्रेंथ पे खुद हैरान रह जाएंगी। कुछ दिनों से पापा आंवला की चटनी के लिए कह रहे थे। कहते हैं कई बार सब्जी खाने का मन नहीं करता तो कभी अचार के साथ रोटी खा लेते हैं, तो कभी टोमेटो केचप के साथ। कुलदीप जी लंच करके किसी काम से बाहर चले गए, 4 बजे के अराउंड आएंगे तब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे। तब तक मैं फ्री थी, अभी तो 2:30 बजे हैं, तो आराम से 1 घंटे में मैं 1 या 2 चटनियाँ बना दूंगी। 15-16 पीस मैंने आंवले के लिए हैं, उनको 10 मिनट पानी में बॉयल करना है। जब तक आंवले बॉयल होंगे तब तक अदरक लहसुन की चटनी बना लेते हैं। अदरक थोड़ा गीला हो तो उसे पोंछ लीजिएगा। 2 पैन चढ़ाए हैं मैंने, एक में डाला है सरसों का तेल, उसे गर्म कर लेंगे, और एक पैन में मैंने सूखी लाल मिर्चों को थोड़ा सा भून लिया है ताकि उनमें अगर मॉइस्चर वगैरह हो तो वो निकल जाए। तेल को गर्म करके उसमें से निकाल के थोड़ा सा साइड रख दिया है, उसे बाद में यूज करेंगे। और पैन में डाला है थोड़ा सा धनिया, जीरा और सरसों के कुछ दाने। 1 कप हमने सूखी लाल मिर्चें ली थी तो 1 कप ही हमने लहसुन लिया है। 2 छोटे पीस मैंने अदरक के लिए थे, उसको काट के भी इसमें डाल दिया है। हल्का ब्राउन होने तक दोनों को भून लेंगे। 10 मिनट में आंवले भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और चटनी बनाने के लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट आंवले ही चाहिए। निकाल के इन्हें साइड रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। अदरक लहसुन की चटनी में थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने थोड़ी सी इमली को पानी में सोख कर लिया था, ज्यादा नहीं। बस ये सोच लीजिए कि हमें सिर्फ 2 चम्मच इमली का जूस चाहिए। सूखी लाल मिर्च जो हमने भून के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और इमली का जूस भी डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और गर्म मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हैं, डाइजेशन वगैरह के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए हींग और ठंडा करने के लिए साइड रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इधर आंवले भी ठंडे हो चुके हैं, गुट्टी अलग कर दीजिए, गुद्दा अलग कर दीजिए। उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, हाथों के साथ भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसको हाथों के साथ मैश किया क्योंकि आंवले काफी सॉफ्ट हो चुके हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने वही मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई और तेल भी ले सकते हैं। जीरा डाला है, सौंफ डाली है, थोड़ा सा हींग डाला है और सरसों के कुछ दाने। बस इनको थोड़ा सा भून लीजिए, उसके बाद सीजनिंग डाल देंगे। नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो इस चटनी को बनाना भी बहुत आसान है। बस अब जो मैश किए हुए आंवले हैं वो हमने इसमें डाल देने हैं। 1/2 मिनट इसे भून लीजिए। साढ़े 350 ग्राम मैंने आंवले लिए थे और 350 ग्राम ही गुड़ लिया है। आप चाहें तो शक्कर भी ले सकते हैं या फिर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक गुड़ ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बस गुड़ को पीस के आंवलों के साथ ही मिला देना है और इसे पकने देना है। 5-7 मिनट में ही गुड़ पूरा पिघल जाएगा और चटनी आपकी पक जाएगी। थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें काला नमक और ठंडा करने के लिए साइड रख दीजिए, उसके बाद हम जार में फिल करेंगे। लहसुन अदरक भी ठंडा हो चुका है, इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल के इसको ग्राइंड करेंगे। तो जो ऑयल हमने पहले से निकाल लिया था अब उसे इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम चटनी में पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो इसे उलट पलट करके 2-3 बार आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इन दोनों ही चटनियों की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत दिनों तक ये खराब नहीं होती, तो इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा ने सिर्फ आंवला चटनी कही थी तो 2 चटनियां बन गई हैं, और बनी तो पापा के कहने पे है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सभी शौक से खाएंगे। तो मेरे 3 जार तैयार हैं, एक में है आंवला चटनी, आम का अचार और लहसुन अदरक की चटनी। कुलदीप जी 1/2 घंटा लेट थे एज यूजुअल, तो उसके बाद फिर हम लोग निकले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। ग्रॉसरी शॉपिंग पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की मैं 1-2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ, लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उन्होंने शायद वो नहीं देखी होती, इसलिए वो बार बार डिमांड करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा चलिए एक बार फिर से सही पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग की एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सभी चीज़ें मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दालों में आई थिंक कोई दाल ही ऐसी होती होगी जो हम नहीं लाते होंगे, अदरवाइज हम सारी दालें परचेज करते हैं। जो अच्छी मिल जाए मैं लूज भी बाय कर लेती हूँ, कुछ पैकेट्स में ले लेते हैं। ऑयल्स की बात करूँ तो हम ज्यादातर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कनोला ऑयल की 1 बॉटल ले लेती हूँ। देसी घी कभी कभार बाहर से ले लेते हैं, अदरवाइज घर का बना हुआ देसी घी ही चल जाता है। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती, 1-2 पैकेट ले लेती हूँ कभी कभार कुछ फ्राई करना हो तो। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हम मोस्टली सैलड्स वगैरह में करते हैं, तो 1 बॉटल मेरी 2 महीना चल जाती है। पीनट्स हमेशा कच्चे लेती हूँ, खुद ही भून लेती हूँ।
आज हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आए हैं। टॉयलेट्रीज की शॉपिंग हमने एक दिन पहले कर ली थी, जो कि हम CST कैंटीन से करते हैं। नहीं, आंवला घर पे पड़े थे, उनकी तो आज चटनी बन गई, तो आंवला तो मुझे लेके जाने पड़ेंगे क्योंकि मैं रॉ आंवला भी खाती हूँ। घर पहुंचे तब जब डिनर का टाइम होने वाला था, सबने चाय कॉफी जो लेनी थी वो ली, मैंने अपनी ग्रीन टी ली। मम्मा ने कहा अब काफी लेट हो गया है, सभी थके हुए हैं, इसलिए डिनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो फ्रिज में पड़ा है उसे निकालो और जिसको जो खाना है वो खा ले। तो गाजर मटर की सब्जी पड़ी थी और साथ में दोपहर में जो दाल बनाई थी वो भी बच गई थी, इसलिए फिर मैंने फटाफट से मशरूम सूप बनाया क्योंकि मुझे तो सिर्फ सूप पीना था। तो कुलदीप जी ने भी सिर्फ सूप लिया। दो टांगे ऊपर है, दो टांगे नीचे। क्या कर रहा है रफी? जैस्मिन और उदय अभी भी जिम से आए हैं और जैस्मिन भी आके पहले सूप ले रही है, उसके बाद शायद खाना खाएगी। मेरी बस यही डाइट है। अपना खाना खाया तूने? जो अपना खाना खाओ जाके। इसको पनीर दे दो, इसको एग दे दो, हमारे वाले बिस्किट दे दो, चीजियां दे दो, चीज दे दो, वो सब खाना है। खाना नहीं खाना। पूंछ क्यों हिला रहा है? ये देख, ये देख। सुन ली मैंने आपकी डांट, अब जो मैं मांग रहा हूँ दे दिया जाए मुझे। मेरे पास कुछ भी नहीं। हाय रब्बा, सूप पी रही हूँ देख ले, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सूप पी रही पुत्र बच्चों, कुछ भी नहीं मेरे पास, तो मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ। जाओ गो, ये सब तो जितना मर्जी खिला दो। चलो खत्म दो। I can see and smell both. Don't lie to me. No. ये इसी के लिए लेके आई हूँ मैं, आज ही लेके आई हूँ और इतना बचा है। ये देखो आधा पनीर खा गया तू। मना किया ना, ऐसे करने से कुछ होगा? ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, मिलेगा नहीं ऐसे। नो। ये पड़ा है इसका खाना, इसमें मैंने दही डाला था, रोटी डाली थी और पनीर भी डाला था, ये नहीं इसने खाया। सभी लोग खा पी के अपने अपने रूम्स में चले गए। उसके बाद मैंने सारा सामान टेबल पे डेकोरेट किया ताकि मैं एक बार आपको दिखा सकूं। तो आज की शॉपिंग प्लस कैंटीन से जो शॉपिंग की थी वो भी मैंने यहीं पे रख दी है। ये कुछ धुली हुई दालें, साथ में राजमा चने वगैरह सब कुछ ही होता है, कुछ लूज हैं, कुछ पैकेट्स में हैं, सोया चंक्स हैं, साथ में ऑयल्स की बॉटल है, जैसे मैंने आपको बताया मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल वगैरह है, एक पैकेट रिफाइंड ऑयल है और कुछ रेसिन्स हैं, दो पैकेट सॉल्ट है और दो पैकेट पापड़ है, पोहा है, साथ ही में यहाँ पड़ा है ओट्स। ये सारा नाश्ते का सामान मैंने एक साइड रख दिया है और साथ ही इधर हैं कुछ मसाले जैसे कि जीरा है, अजवाइन है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, बड़ी इलायची है, सरसों के दाने हैं, इनो लेके आई हूँ, साथ में ये शुगर है, ये ब्राउन शुगर का एक पैकेट लेके आई हूँ, ये मेरा 2-3 महीने चल जाता है, सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ, बाकी 3 किलो है वाइट शुगर, 2 किलो बेसन लिया है, चीला वगैरह बन जाता है या कड़ी में यूज़ करते हैं या पकौड़े वगैरह बन जाते हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग है, पास्ता है, कॉफ़ी है, हींग है, टोमेटो केचप्स हैं, विनेगर है और ये कुछ स्नैक्स पड़े हैं यहाँ पे, कुछ हेल्दी स्नैक्स हैं, कुछ अनहेल्दी स्नैक्स हैं, एक दो पाउडर मसाला भी ले आती हूँ सब्जी वगैरह में फ्लेवर के लिए, सभी कुछ मिक्स हैं। ये डेट्स का एक पैकेट है, साथ में ये रॉक सॉल्ट है, हैंड वॉश है, टॉयलेट पेपर्स हैं, साथ में डिटर्जेंट है, जैम है, तो यू कैन सी एवरीथिंग जो एक घर की नीड होती है। पापा क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं तो इस चीज़ का हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, काफ़ी सामान तो हम कैंटीन से ही बाय कर लेते हैं। ये है मेरा बड़ा एक ड्रॉर जिसमें जो ग्रॉसरी बच जाती है डिब्बों में डालने के बाद उसमें यहाँ पे रखती हूँ, तो अभी ये ड्रॉर पूरी तरह से खाली है, तो फटाफट से हम फिलिंग करते हैं, जो भी चीज़ें फिल हो जाएंगी उनको फिल कर देंगे और बाकी के वापस इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो
तीन बास्केट्स मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ ताकि सारा सामान ठीक से आ जाए और हर चीज ठीक से दिखाई दे। एक बास्केट में सारे सूखे और पाउडर मसाला वगैरह डाले हैं, दूसरी बास्केट में सारा ब्रेकफास्ट का सामान है जैसे कि साबूदाना, सेमियां, बेसन, ओट्स, पोहा, दलिया, मतलब दालें हैं, चंक्स वगैरह है, मैगी है, पास्ता है, जो भी चीजें डिब्बों में फिल करने के बाद बच जाती हैं, एक्स्ट्राज हैं, वो सारी इस ड्रॉर में आ जाती हैं। और आज के दिन का आखिरी काम स्टफी को खाना खिलाना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।